Good evening, students. And today we are going to study a very beautiful poem, The Squirrel. What is the name of the poem? The Squirrel. आप सबने स्क्विरल देखी है, गिलहरी आपके घर के आसपास घूमती रहती हैं, बहुत सारी गिलहरियाँ हैं, तो ये पोश्चन उसी पे है। सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ही मीन्स द स्क्विरल, ही का मतलब क्या है? स्क्विरल, क्वेश्चन मार्क। अगर आप गिलहरी को पूछ के देखें तो गिलहरी की पूँछ जो होती है क्वेश्चन मार्क की तरह ऐसे रहती है, ठीक है ना, इसीलिए वो क्वेश्चन मार्क, ऐसे उसकी बॉडी रहती है गिलहरी की, ठीक है, ऐसे करके गिलहरी रहती है। तो ये उसकी पूँछ कैसी रहती है? एक क्वेश्चन मार्क की तरह, ठीक। तो वही वो कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, टेल माने पूँछ। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और वो ग्रे कलर की उसकी जो पूरी ड्रेस है वो कैसी है? ग्रे कलर की है, ठीक है। गिलहरी की ड्रेस कैसी है? ग्रे कलर का उसका पूरा है। और ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट एन अप, ही यानी कि वो गिलहरी सैट अप स्ट्रेट माने बिल्कुल सीधे बैठ जाती है। अगर आपने नट खाते हुए देखा हो, नट माने मूँगफली या अखरोट या कोई भी नट वो खाती है जब, वो बिल्कुल सीधी होकर बैठ जाती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, टीज माने चिढ़ाना, अपने पार्टनर्स को चिढ़ाती है और प्ले करती है, खेलती है। एंड इफ वी रैन राउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे, और अगर आप पेड़ के, अगर आप देखें ये पेड़ है जैसे, और अगर आप गिलहरी को इधर से दौड़ाएंगे तो इधर से आ जाएगी, या इधर से दौड़ाएंगे तो वो इधर पेड़ में चढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे वो गोल 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 पेड़ में घूमती है, ठीक है। सबको समझ में आ गई, बहुत सिंपल पोएम है, मल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग की पोएम है। इसके पोएट का नाम आप जरूर याद कर लें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में पोएट का नाम पूछा जाता है। तो आप पहली पोएम है, इसको तुरंत इसका नाम याद कर लीजिएगा, ओके। तो ही प्रोनाउन से शुरू हो रही है पोएम, पूरी पोएम में ही चार बार आ रहा है, जिसको कि किसके लिए यूज़ किया गया है? स्क्विरल के लिए। स्क्विरल की दो उन्होंने बताई हैं फिजिकल, उसके जो फीचर्स बताए हैं, पहला कि उसकी टेल जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है, पहला फीचर उसका ये बताया है। दूसरा फीचर उसका बताया है कि उसका ग्रे कलर का ओवर कोट है, यानी कि उसका जो बॉडी का फर है दैट इज़ ऑफ ग्रे कलर, ठीक है। फिर उसके क्या क्या हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स में उसका बता सकते हैं कि सिट्स अप स्ट्रेट, कि वो स्ट्रेट कैसे स्ट्रेट बैठती है, बिल्कुल सीधी बैठती है जब नट खाती है। और उसको क्या पसंद है? लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको चिड़ा चिड़ा कर खाना और खेलना पसंद है, ठीक है। तो ये दो चार पांच बातें हैं केवल गिलहरी के बारे में, आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम लोग इसकी समरी को लेते हैं। इन द पोएम द स्क्विरल, द पोएट मिल्ड्रेड आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब द स्क्विरल दैट ही ऑब्जर्व्स इन हिज गार्डन, ऑब्जर्व माने जिसको वो देखता है इन द गार्डन। द पोएट डिस्क्राइब हाउ द स्क्विरल कवर्ड इन ग्रे फर, फर माने उसकी जो खाल है ऊपर की ग्रे कलर की है, सिट्स इन द अपराइट पोजिशन, बिल्कुल अपराइट माने स्ट्रेट, अपराइट स्ट्रेट के लिए दूसरा वर्ड है ये अपराइट, तो अपने बिल्कुल अपराइट पोजिशन में बैठती है। ऑन अ ट्री ब्रांच ईटिंग अ नट, हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंट शेप, पहले ही मैंने आपको बताया अपनी बेंट शेप की वजह से वो क्वेश्चन मार्क जैसी उसकी पूछ दिखती है। द हैप्पी एंड लाइवली स्क्विरल, हैप्पी खुश है, लाइवली जीवंत जैसा बिल्कुल व्यवहार करती है वो। लव्स टू प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स, व्हेनेवर दे रन अराउंड हिज ट्री ही वुड रन टू द अदर साइड ऑफ द स्क्विरल, वो अपने पोएट के संग खेलती है, जब पोएट इधर से जाता है तो उधर से भाग जाती है। द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्विरल, ये नेचर मैंने आपको बताया ना उसकी हैबिट्स के नेचर, दैट ही इज इनोसेंटली नॉटी एंड लाइक्स टू टीज एनी वन हु कम्स नियर, इनोसेंटली भोले, शी इज़ वेरी बहुत भोली है, बहुत इनोसेंट है, इग्नोरेंट है, नॉटी है, ठीक है, जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो टीज करती है, क्लियर। तो ये तो हो गया उसका पूरी समरी, आप लोग समरी को नोट कर लें अपने पास, इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप स्क्विरल, मैंने ये स्क्विरल आपके लिए फोटो निकाली है, इसमें यू कैन सी इट क्वेश्चन मार्क, इसमें ये ऑरेंज कलर की है, एक्चुअली इसका कलर ग्रे बताया है ना, ग्रे कोट। और ये देखो पेड़ पे चढ़ रही है, टीज करती है, ठीक। अब व्हाट इज कंपेयर्ड विद ग्रे ओवरकोट, किस चीज़ को ग्रे ओवरकोट से कंपेयर किया है? द स्क्विरल बॉडी, इसको क्या कंपेयर माने तुलना, कंपेयर मीन्स तुलना, किसकी तुलना की गई है? स्क्विरल की बॉडी की, ठीक है। हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड वॉट इज इट डूइंग, कौन जमीन पर बैठा है? स्क्विरल। एंड वॉट इज इट इज ईटिंग अ नट, क्या कर रही है? इट इज ईटिंग अ नट। वॉट डज इट डू वेन वी गो अराउंड, क्या करती है जब हम उसके चारों तरफ जाते हैं? इट डिसअपियर्स बिहाइंड द ट्री,
डिसअपियर माने गायब हो जाना, इट वी कैन नॉट सी, इट गोज बिहाइंड. हाउ डज पोएट डिस्क्राइब द स्क्विरल? पोएट स्क्विरल को कैसे डिस्क्राइब करता है? पोएट डिस्क्राइब स्क्विरल एज नॉटी एंड इंटेलिजेंट एनिमल हुज टेल इज लाइक क्वेश्चन मार्क एंड हु वेयर्स अ कोट. ठीक है. डू यू लाइक पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्विरल? क्या आपको पोएट का डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा? येस, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम इज वेरी मच लाइक अ स्क्विरल अपीयर्स. जैसे स्क्विरल दिखती है वैसा ही उसका अपीयरेंस है. स्टूडेंट्स, आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे, साथ में यू विल ड्रॉ अ स्क्विरल इन योर कॉपी. ऑन वन पेज यू विल ड्रॉ द स्क्विरल. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. ओके, थैंक यू.